हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। आज हम बहुत दिनों बाद देखिए क्या बनाने जा रहे हो। गुलाब जामुन। हाँ, गुलाब जामुन बनाने जा रहे हैं। तो आप लोग को खाना है तो जल्दी जल्दी आ जाइए, इसकी रेसिपी अभी आपको दिखाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं गुलाब जामुन की रेसिपी। सबसे पहले हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, एक भगोना ले लिए हैं और इसमें एक गिलास पानी डालेंगे। देखिए, एक गिलास पानी डाल लेते हैं और उसमें डेढ़ गिलास डालना पड़ेगा क्योंकि चाशनी भी तो अच्छा बन जाती है। तो एक चीनी है, इसे हम मैगी कटोरी से हम डेढ़ कटोरी चीनी डालेंगे। समझ लीजिए कि एक ही कटोरी डाली है क्योंकि एक ही पीस हमें बनाना है ना। तो इसमें इतना ग्राम है, 200 ग्राम है। इसमें से 25 गुलाब जामुन बनाएंगे नॉर्मल साइज। और ये गुलाब जामुन हम काट के निकाल लिए हैं इसको, और इसके गुलाब जामुन के आटा। तो ये देखिए, इसमें सब कुछ मिक्स है, इसमें कुछ मिक्स नहीं करना है। और इसमें सब कुछ मिक्स हुआ है, इसमें बस पानी डाल के सानना है। आप चाहे दूध से भी सान सकते हैं, चलाने के लिए बहुत बढ़िया बनना चाहिए। चिपचिपा जब तक नहीं होगा तब तक इसको थोड़ा थोड़ा चलाते रहिए, पकता रहेगा ये ऐसे धीरे धीरे उबाल आ जाएगा। अब तक हम आटा गूंथ लेते हैं इसका। दोस्तों, आटा को इतना बढ़िया से मलना है, बिल्कुल इसमें बहुत अच्छे से मलना है। थोड़ा थोड़ा पानी लगा लगा कर बहुत मुलायम सानना है। अब इधर देखिए, चाशनी पक रही है। दोस्तों देखिए, इसको सान लिए हैं, अभी अच्छे से नहीं साना हुआ है। इधर चाशनी में उबाल आ गया है, देखिए कलर भी इसका चेंज हो गया है। इसमें हम थोड़ा डालेंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने से इसका स्वाद बढ़ जाता है। देखिए, थोड़ा इलायची पाउडर डाल देंगे, इसका स्वाद बढ़ जाएगा इससे। और ये चाशनी देखिए उबल रहा है। एक बार हम आटा बना रहे हैं, इसको अच्छे से मसलना भी है। देखिए, खूब अच्छे से मसलना है इसको। तो दोस्तों देखिए, इसको हम सान लिए हैं आटा को। अब देखिए बना रहे हैं, फिर लंबा लंबा बना रहे हैं, गोल गोल भी बनाते हैं। फिर लंबे लंबे कितना साथ फूटना नहीं चाहिए, बहुत टोप का बनता है ये। दोस्तों आप इसको अलग अलग तरह से लो, इसका बना सकते हो आप। देखिए, हमारी चाशनी भी रेडी हो गई है। मूंगफली को बना लेते हैं, फिर कढ़ाई चलाएंगे। हेलो दोस्तों, देखिए इतना सारा हमने बना लिया है, लाइट कलर इसका दिख रहा है। देखिए, मूंगफली बना लिया है, बस जलाएंगे। मैं तो बस जलाते हैं इस तरफ। ये हमारी चाशनी भी रेडी हो गई है। देखिए, चाशनी भी रेडी हो गई है। अब इसको उधर रखेंगे तेल। तो चलिए देखते हैं तेल गर्म हुआ है कि नहीं। अभी तो गर्म नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। तो देखिए पक रहा है। देखिए तेल गर्म हो गया है, और उसमें हम और डाल देते हैं। ये देखिए, तो
दोस्तों जैसे वो बना ऐसे भी बनाएंगे तो आपको लास्ट में दिखाते हैं, तब तक लिए बने रहिए। तो दोस्तों देखिए लास्ट हमारी अब डालने हैं इसको, अब इसके बाद ख़त्म हो गया है। अब ना देखिए चाशनी डाल लिए हैं, ख़त्म हो गया, इसको हटाते हैं, इसको ऐसे चलाते रहेंगे और इसको ऐसे डुबोते रहेंगे। देखिए इसको डुबने के बाद कम से कम 2 घंटा के लिए छोड़ देंगे, बहुत अच्छा चाशनी जब सूख जाएगा ना तब हम आपको दिखाएंगे। तब तक लगे आप बने रहिए। तो देखिए बन के रेडी हो गया जो लास्ट वाला था, अब इसको हम निकाल लेते हैं, छोड़ गया थोड़ा सा, और पहले वाला भी पक गया, बहुत अच्छा बन गया है। अभी गैस को बंद कर देते हैं तेल का, और इधर चाशनी डाल लेते हैं और इसको अच्छे से डुबोएंगे। देखिए ये डूबने के बाद जब रस इसमें भर जाएगा ना चाशनी, बहुत टोटा लगेगा ये। लेमन बन के रेडी हो गया है, देखिए चाशनी में डुबो दिए हैं, बहुत अच्छे से बन गया है ये। देखिए इसको इस बर्तन में इसमें इसलिए रख दिए हैं ताकि इसका रस अंदर जा सके, बढ़िया से पक सके, और बहुत अच्छा बना है। देखिए फूल के जितना बड़ा बड़ा हो गया है। तो वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, तो बाय बाय।